नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। रांची महापौर आशा लकड़ा ने गरीब, बुजुर्ग और असहाय बच्चों के बीच बांटा कंबल और पुस्तक। घाघरा थाना क्षेत्र में भाजपा राष्ट्रीय मंत्री सह रांची मेयर आशा लकड़ा ने मंगलवार की सुबह देवाकी गांव पहुंच गांव के गरीब, बुजुर्ग और असहाय बच्चों को सहायता प्रदान की। इस मौके पर मौजूद लोगों से अपील करते हुए मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि कोरोना महामारी को हल्के में ना लें। जो भी दोनों टीका ना लिए हो, वो बगैर देर किए कोरोना का डोज जरूर ले लें। बच्चों के बीच किया पुस्तक वितरण। मेयर ने गांव के उन बच्चों से मुलाकात की जिन्हें पढ़ाई में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन बच्चों को वर्तमान में पढ़ रहे कक्षा की पुस्तकें अपने हाथों से दी और पढ़ाई को प्राथमिकता देने की नसीहत भी दी। ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। खाली उन्होंने वादा किया अपने मैनिफेस्टो में, और आज जिस तरह से युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, सबको ठगने का काम किया है, ये जग जाहिर है। मैं बात करती हूँ जेपीएससी का, और जिस तरह से झारखंड लोक सेवा आयोग में लोगों ने एग्ज़ाम लिखा, और जो एग्ज़ाम लिखने के बाद में जिन व्यक्ति को पास माना गया है उनका ओएमआर सीट जो है उन्हीं को गायब किया गया है ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं जनता के बीच में आक्रोशित होना ही था और आक्रोश होना ही है। आज मैं बता दूँ, झारखंड का वित्त मंत्री जो कांग्रेस का मंत्री है, उनके सेंटर में, चाहे साहेबगंज का एरिया हो, उसमें ग्रामीण विकास मंत्री है, उनके एरिया में कांग्रेस का ही दोनों लीडर है, उन्हीं के यहाँ परीक्षा केंद्र में 1 से लेकर 20 तक लगातार सीरियल नंबर से पास होना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये झारखंड की जनता के लिए और जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं इन लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है। 2 दिन पहले की अगर मैं बात करती हूँ, तो ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मांग को लेकर के संवैधानिक रूप से आंदोलन कर रहे थे, ऐसे लोगों को महात्मा गांधी के प्रतिमा के पास से, मोराबादी मैदान से उठा करके पुलिस ने तितर बितर करने का कोशिश किया कि आंदोलनकारियों को तोड़ा जाए, किया जाए। एक आप तो जहां घटनाक्रम हो रहे हैं और भ्रष्टाचार भरे हैं उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों को आपने हटाने का काम कर रहे हैं। ये पुलिस का रवैया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुखद और निंदनीय है। इधर उन्होंने बुजुर्गों को कंबल भी वितरित किया और उनका हालचाल भी जाना। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।